आप सबको राम राम और आप सबका यहाँ स्वागत। आज मुझे बहुत खुशी है सब लोगों को यहाँ देख के, पर उसके पहले अपने आज के इस कार्यक्रम में अपने निकट के प्रदेश से दिल्ली और गुजरात से हमारे बीच में आए हुए आदरणीय राजनाथ सिंह जी और हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, यह हमारा ऐतिहासिक सुराज संकल्प सम्मेलन के अंदर आप लोगों ने हम पे आके यहाँ इतनी कृपा की, हम लोग सब आपको अपनी ओर से बहुत सारा धन्यवाद देना चाहते हैं, आभार प्रकट करना चाहते हैं और आपका यहाँ जोरदार तरीके से स्वागत करना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी और राजनाथ सिंह जी हमारे बीच में आए, उसके लिए बहुत बहुत आप सबका यहाँ स्वागत। इस सम्मेलन में जो उपस्थित हमारे पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी हैं, पार्टी के सम्माननीय पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, जिला प्रमुख हैं, प्रधान और जनप्रतिनिधि हैं, उन सबको जो यहाँ उपस्थित हुए हैं, उन सबको यहाँ बैठे हुए और वहाँ बैठे हुए उन सब लोगों को मैं आज यहाँ आपका सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ कि आप लोग हमारे इस बहुत बड़े समागम में यहाँ उपस्थित हुए हैं। पर इस अवसर पर मैं सबसे पहले अपने कोने कोने से आए हुए लाखों कार्यकर्ता, उन सब कार्यकर्ताओं का आज बहुत जोर शोर से स्वागत करना चाहती हूँ जिन्होंने इतने प्यार से हमारे सुराज संकल्प यात्रा को निकाला, जिन्होंने लगातार हमारे नई ऊर्जा प्रदान करने की बात की और हमारा साथ दिया पूरे सुराज संकल्प यात्रा के अंदर। मैं आप सबको सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोगों के बिना ये काम हो ही नहीं सकता था, इसलिए बार बार आप लोग सब यहाँ से लेके वहां तक सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। सम्माननीय मोदी जी और राजनाथ सिंह जी, ये कार्यकर्ता ही हमारी टीम राजस्थान है, ये टीम राजस्थान है जिन्होंने सुराज संकल्प यात्रा के अंदर हमारे इस मंत्र को नीचे तक पहुंचाने का काम किया और जिन्होंने हमारे पूरे राजस्थान को एक स्वर में एक धागे में बांधकर कांग्रेस के कुराज के खिलाफ लड़ने का संकल्प एक एक जगह के अंदर, एक एक संभाग के अंदर किया। मैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। कई कई लोगों ने जब हमारी यात्रा शुरू हुई थी तो आदरणीय राजनाथ सिंह जी के सानिध्य में चार भुजानाथ के यहाँ हम लोगों ने चालू किया था, बहुत जोरदार तरीके से उसकी शुरुआत हुई थी और मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि वो यात्रा आराम से संपन्न हुई, 4 महीने हमको लगे और आप लोग सबसे जाके क्षेत्र के अंदर मिलने का काम हम लोग पूरी तरह से पूरा कर सके, इसके लिए भी मैं हमारे कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। इतना मैं जरूर कहूंगी कि जहां जहां मैं गई वहां मैंने देखा कि हमारे जो मूलभूत सुविधाएं हमको मिलनी चाहिए थी, आज 53 साल के राज के बाद वो मूलभूत सुविधाएं हमको राजस्थान में कहीं नहीं मिली है। ये 53 साल का राज कांग्रेस का रहा है और इस 53 साल के अंदर जनता पूरी तरह से वंचित रही, बिजली से, पानी से, सड़क से, स्वास्थ्य से, चिकित्सा से और पूरी तरह से आपकी शिक्षा से वंचित रही। जहां जहां मैं गई वहां मैंने देखा कि निशुल्क दवा योजना के ऊपर करोड़ों रुपया खर्च किया गया है विज्ञापनों के ऊपर, परंतु जब मैं जन गांव के अंदर गई तो देखा कि महिला चिकित्सक नहीं थे, डॉक्टर नहीं थे, पीएचसी के ऊपर ताले लगे हुए थे, अस्पतालों में उपकरण नहीं थे और जांच और मुफ्त दवाई योजना के ऊपर सबसे बड़ा घोटाला इस राजस्थान के अंदर बनने को जा रहा था। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि किसी ने, इस सरकार ने किसी भी तरीके से मदद नहीं की है जनता की। हाँ, उनके जख्मों के ऊपर नमक छिड़कने का काम जरूर किया है और मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं जहर पीकर आजकल काम कर रहा हूँ। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि मुख्यमंत्री महोदय, ये पूरी जनता जहर पीकर बैठी हुई है, 4 साल से जहर पीकर बैठी हुई है, क्योंकि उनको जो मिलना चाहिए था सरकार के अंदर वो कुछ नहीं मिल रहा है और इसीलिए उसके बारे में हम लोग सबको कुछ करने की जरूरत है।
और मुझे विश्वास है कि आप लोग वो करके देंगे। आज इतने अल्प समय के अंदर गुजरात लगा हुआ अपना प्रदेश है, आप देख सकते हो कि कितने कम समय के अंदर गुजरात कहां से कहां पहुंच गया। आपने देखा मध्य प्रदेश कहां से कहां पहुंच गया, छत्तीसगढ़ कहां से कहां पहुंच गया, और राजस्थान उसी तरीके से गड्ढे में पड़ा हुआ है। आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं है, आगे बढ़ाने का काम किसी कांग्रेस की सरकार ने आज तक नहीं किया। और मैं तो आप लोग सबको यह कहना चाहती हूं कि अगर हमें विकास करना है, अगर हमें विकास करना है तो राजस्थान को जोड़ के आगे ले जाने का काम करना होगा। मैं बार बार कांग्रेस की आड़ में देखने की आदत है, तो मैंने देखा कि 36 के 36 कौम को अलग करने का उन्होंने काम किया, ना पानी का काम किया, ना बिजली का काम किया। जगह जगह पे मैंने देखा कि जहां बिजली आप लोगों को 3-3 घंटे मिलनी चाहिए, वहां आप लोगों को जहां 3 घंटे मिल रही है वहां 7 घंटे बिजली मिलना चाहिए था। वहां मैंने आपको यह भी बताया कि पहली बार महिलाओं के लिए हम लोगों ने अलग चला के अलग से बिजली देने का काम किया। और मैं ये विश्वास करती हूं कि अगर सरकार हमारी रहती तो आपको 24 घंटे बिजली मिलती, परंतु आने वाले सरकार के अंदर 24 घंटे बिजली देने का काम आपको घरेलू बिजली के हिसाब से हम करके छोड़ेंगे। पानी का आप देख लीजिए, राजस्थान के अंदर फ्लोराइड युक्त पानी सबको पीना पड़ता है। जयपुर जैसे शहर के अंदर पीने का पानी बड़े मुश्किल से लोगों को मिलता है, गड्ढों कर करके रोड्स के ऊपर हम लोगों को पानी निकाल निकाल के उसमें से पीना पड़ता है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इस सरकार ने पिछले 5 साल के अंदर क्यों यहाँ इस अपने प्रदेश के अंदर काम नहीं किया, जबकि हम लोगों ने हिमालय के पानी लाने का वादा किया था, वो वादा पूरा किया। 761 करोड़ रुपए के पानी का स्कीम आपके नागौर क्षेत्र में लगा के हम लोगों ने उनको 5 साल के अंदर पानी पिलाने का काम किया, ये क्यों नहीं कर सकते थे। राजस्थान की जिस जिस जगह में मैं गई हूँ वहां मेरी महिलाओं ने आ आके मेरे को इतना ही कहा है कि भाई किसी भी तरीके से हम लोगों को पानी पिलाने का काम आप कर दीजिए। मैंने एक जगह पे जहां मैं रुकी थी वहां मैंने देखा एक कुएं के ऊपर महिलाएं पानी निकाल रही थी, उन्होंने मुझे हाथ देकर नीचे बुलाया। मैं नीचे उनके बीच में गई तो उन्होंने मेरे को ये कहा कि पानी निकाल के देखो तो सही कि कितने गहराई से हमको पानी निकालना पड़ता है और कितने मुश्किल से हमको पानी मिलता है, और 2-2 किलोमीटर तक हमको जाके अपने घरों में पानी ले जाना पड़ता है। ये आज हमारी स्थिति है, इसको कौन बदलेगा। मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि हमारी सरकार बदलेगी, हम लाएंगे आपको सही मीठा पानी घर में पिलाने का काम हमने ये करना है, क्योंकि आज अगर आपको ये मूलभूत सुविधा नहीं मिल रही है तो सरकार किसी काम की नहीं है। ऐसी सरकार को कुर्सी पे बिठाना है क्या, ऐसी सरकार को हम कुर्सी पे बिठाएंगे क्या जो आपको अपनी मूलभूत सुविधा नहीं देता है, नहीं। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि ना आपको बिजली पानी ये छोटे छोटे काम है, परंतु ये काम हम लोग सब मिलके कर सकते हैं। और ये मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि आपका चाहे चिकित्सा हो, चाहे आपको शिक्षा हो, चाहे महिलाओं का काम हो, मैं सब महिलाओं को कहना चाहती हूँ कि इस राजस्थान के अंदर आज महिला सुरक्षित है। आने वाले समय के अंदर हम अपने महिलाओं को अपने पैर पे खड़ा करना चाहते हैं, एक ऐसा राजस्थान बना के उन्हें देना चाहते हैं जिस राजस्थान के अंदर अपना सिर ऊंचा करके वो चल सके। और मैं ये भी मानती हूँ कि जो लोग अपने और जो सरकार अपनी महिलाओं को सुरक्षित नहीं रख सकते उनको भी इस सरकार की गद्दी पे बैठने का कोई भी हक नहीं है, ये आप लोगों ने बार बार चला के मुझे कहा है। आने वाले समय के अंदर एक ऐसी सरकार हो जिसने पहले रोजगार आपको दिया 10 लाख, आने वाले समय के अंदर भी हमारे बच्चों को रोजगार देने का हम फिर से काम करेंगे। और मैं ये फिर कहना चाहती हूँ कि टेट का प्रबंधन करके आरपीएससी के द्वारा नौकरी देने का काम हम लोग सब लोगों को करने का करेंगे, ताकि हमारे बच्चों को लगातार क्षेत्र के अंदर नौकरी मिले। ये बहुत बड़ा काम है और ये जल्दी से होना ही है। मैं सबको ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि एक ऐसी सरकार बनेगी जो ऐसे घोटालों से नहीं, अभी मैं देख रही थी कि पूरी तरह से घोटालों में ग्रस्त है ये सरकार। उंगली उठाई मेरे पे, कोशिश की कि हम लोगों के ऊपर किसी भी तरीके से आक्षेप लग जाए, और हमारे आड़ में जम के किया भ्रष्टाचार, चाहे वो जमीन का घोटाला हो, चाहे वो माइंस का घोटाला हो, चाहे रॉबर्ट वाड्रा को जमीन देने का काम किया हो, चाहे अपने बेटे को
सलाहकार बना बना के बड़े बड़े फर्म में लगाने का काम किया हो, चाहे उन्होंने पेट्रोलियम रिफाइनरी के अंदर जो पूरी तरह से जम के पैसा खाया है और जमीन बनाई है, या चाहे जोधपुर के अंदर जमीन के घपले हो, ये सब पूरे राजस्थान को मालूम है। हमें चाहिए एक ऐसा राजस्थान जो भ्रष्टाचार से ऊपर उठ के हमारे गरीब जनता को अपने हाथ में लेके उन गरीब जनता का किसी भी तरीके से आगे बढ़ाने का काम करे। मुझे याद है कि जोधपुर के अंदर मैंने सबको कह दिया था कि किसी भी हालत में एक एक बीघा दो दो बीघा जमीन हमारे गरीब किसानों को हम जरूर देंगे, और मैंने काम भी चालू कर दिया था उस काम को रोक के, और जमीन का घपला करने का काम इस सरकार ने किया है। मैं सब लोगों को आत बनाना चाहती हूँ कि यह राजस्थान आपका राजस्थान होगा, ये राजस्थान वो राजस्थान होगा जिस राजस्थान के अंदर आपकी मूलभूत सुविधाएं आपको मिलेंगी। ये राजस्थान एक ऐसा राजस्थान होगा जिसमें महिला अपनी सुरक्षा के साथ हिम्मत के साथ बाहर निकल पाएंगी, एक ऐसा राजस्थान जिसमें युवा उनको काम मिलेगा, एक किसान उनको अपने खेती का उपकरण मिलेंगे काम मिलेगा, और ये सब लोग मिलकर एक ऐसा नया राजस्थान बनाएंगे जिस नए राजस्थान के अंदर हम लोग एक ऐसा राजस्थान बना के छोड़ेंगे जिस राजस्थान को देख के आप लोग भी गौरवान्वित होंगे और हम सब गौरवान्वित होंगे। आज आप लोगों के सामने इस पार्टी के अंदर राजकुमारी दिव्या जी और राघवेंद्र सिंह जी का मैं स्वागत करना चाहती हूँ। आज वो पूरी तरह से हमारी पार्टी के अंदर जुड़े हैं और एक ऐसे ही नए नौजवानों को पार्टी के अंदर लाके ऊर्जावान बनाने की हमने कोशिश की है। मैं विश्वास करती हूँ कि ये काम हम लोग मिलके सब करेंगे, ये नया राजस्थान बनाएंगे। क्या तैयार हो? तैयार हो सब नया राजस्थान बनाने के लिए? तो दोनों हाथ ऊपर करके कह दीजिए, हाँ हम लोग सब नया राजस्थान बनाने के लिए तैयार हैं और हम मिलके ये बात को करेंगे। तो इसलिए एक जोरदार नारा मेरे साथ आप लोग देंगे, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। और एक जोरदार नारा भारतीय जनता पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी। आप लोग सबको मैं फिर बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि सब लोगों ने मिलके आज इतने पलक पावड़े बिछा के हमारे राजनाथ सिंह जी को और हमारे नरेंद्र मोदी जी को इतने प्यार से स्वागत किया। आप लोग सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद फिर से देना चाहूंगी, सबको बहुत बहुत धन्यवाद।